नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बुजुर्ग महिलाओं के लिए फुल लंबाई वाली सादा सिंपल ब्लाउज की कटिंग। तो इसके लिए आपको एक मीटर कपड़े चाहिए। आपने देखा होगा कि घर में बुजुर्ग महिलाएं लंबी ब्लाउज पहनती हैं, सादा सिंपल। तो इसी की कटिंग आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। उसके लिए 1 मीटर 90 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर कपड़े चाहिए। तो जैसा कि हमने ब्लाउज का कपड़ा पीस लिया हुआ है 1 मीटर, ब्लैक कपड़ा है ये। तो इसी में आपको ब्लाउज की कटिंग बताएंगे। तो सबसे पहले आपको ये हमारा ये जो है सीधा लाइन है, तो इस तरह से हमको घड़ी करना है। और इसको जितना घड़ी करना है, जितना आपको आवश्यकता है उतना ही घड़ी करना है। तो जैसा कि इसकी लंबाई हम आपको बता दें, इसकी लंबाई जो है 17 इंच है, इसका सीना जो है 36 इंच है और कमर इसका जो है 35 इंच है। मीडियम साइज का ब्लाउज है ये। तो शोल्डर इसका 13 इंच है, क्योंकि इसमें बैक साइड में गला कम होता है इसलिए शोल्डर ज़्यादा होता है। अगर बैक का गला ज़्यादा होता है तो शोल्डर कम होता है। तो सबसे पहले इस तरह से हमने घड़ी किया हुआ है। इसमें बैक फ्रंट हम दोनों साथ में ही कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग घड़ी किया हुआ है। अब आपको हम बता दें, यहाँ हमने फोल्ड किया 11 इंच पर। ब्लाउज चाहे जो भी साइज का हो, आप इसी तरह से कटिंग कर सकते हैं और इसमें आप घटा बढ़ा भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से 17 इंच लंबाई नापेंगे और यह हम 17.5 पर निशान लगाएंगे, क्योंकि लंबाई में 1 इंच एक्स्ट्रा हमेशा नाप में, हमेशा कभी भी कोई भी कपड़ा कटिंग करने से पहले 1 इंच उसमें एक्स्ट्रा नाप में लंबाई में जोड़ना चाहिए। तो हमने इस तरह से यहाँ 1.5 इंच फोल्ड करने के लिए रख दिया है, जो नीचे फोल्ड होगा ब्लाउज में। और इसका शोल्डर जो है 13 इंच है। तो जैसा कि हमने बताया शोल्डर 13 इंच है, तो उसका आधा हम रखेंगे 6.5 इंच, क्योंकि बैक गला कम रहेगा इसलिए शोल्डर ज़्यादा है। अगर गला ज़्यादा होता बैक साइड का तो शोल्डर कम होता। और इसका सीना जो है वो 36 इंची हमने बताया, तो उसका इसके मतलब 9 चौक 36 आएगा। तो उसमें हम 2 इंच माइनस करेंगे, इसमें हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि ये बुजुर्ग महिला का ब्लाउज है और सीना 36 है, तो उसका चौथा भाग 9 इंची आएगा। तो इसमें हम 1 इंची एक्स्ट्रा जोड़ेंगे डॉट के लिए और यहाँ हम 1 इंची मार्जिन के लिए छोड़ देते हैं। तो और यहाँ से हम एक लाइन खींच देते हैं आर्म होल के लिए इस तरह से, और इसको हम शेप देंगे इस तरह से। और आगे का गला जो है फ्रंट की कटिंग, पहले हम फ्रंट आपको दिखा रहे हैं। आगे का गला 6 इंच है और यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे और यहाँ से हम इसको शेप करेंगे इस तरह से। और यहाँ अब हम डॉट के निशान लगाएंगे, इसमें 4 डॉट लगते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ से 11 इंच पर डॉट लगाएं, क्योंकि ये बुजुर्ग महिलाओं का ब्लाउज है इसलिए थोड़ा सा इसको नीचे सेंटर का निशान नीचे रखना चाहिए। तो 1 डॉट हम यहाँ से उठाएँगे और एक यहाँ से। तो सबसे पहले हम यहाँ एक लाइन खींच देते हैं इस तरह से और इस तरह से। अब यहाँ से हम डॉट का निशान लगाएंगे। ये हमारा जो पहला सबसे ऊपर वाला डॉट है यहाँ से जाएगा, और तीसरा डॉट दूसरा जो डॉट जो है वो यहाँ से जाएगा, और ये वाला डॉट यहाँ से जाएगा, और सेंटर वाला डॉट यहाँ से आप 4 इंच पर भी रख सकते हैं, 3.5 इंच पर भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ 3.5 इंच पर इसको डॉट को निशान लगाया। तो इस तरह से अब हमने इसका निशान लगा दिया है। अब आपको हम दिखा दें कि अब बैक का हमको निशान लगाना है। अब इसको कटिंग कर लेंगे आप, तो सबसे पहले इसको कटिंग कर लेंगे, यहाँ डाउन नहीं करना है। तो इस तरह से हम इसको पहले कटिंग कर लेंगे पूरा इस तरह से ब्लाउज को। अब इसको हमने कटिंग कर लिया है इस तरह से। अब यहाँ से हमको, अब आप चाहे तो बैक का गला का भी निशान लगा सकते हैं, हमने 5 इंच निशान लगाना है। तो हमने इस तरह से इसको रखना है और यहाँ से भी हमको हल्का से एक शेप दे देना है थोड़ा सा इस तरह से, क्योंकि बैक का थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। तो इस तरह से हम इसको कटिंग कर देते हैं। अब इसको हम कटिंग कर देंगे। अब हम बैक की गला कटिंग कर देंगे।
इस तरह से ये हमारा बैक गला कटिंग कर दिए। अब हम यहाँ से डॉट का निशान लगाएंगे, चार डॉट का, यहाँ से हम 4 इंच पर ले गए और यहाँ से 7 इंच पर, और ये हमने डॉट का निशान लगा दिया। इस तरह से और इसमें कोई योग पट्टी या बेल्ट पट्टी नहीं रहेगा क्योंकि ये सादा सिंपल ब्लाउज है। अब हम आपको आस्तीन कटिंग बताएंगे। तो ये रही हमारी आस्तीन वाला कपड़ा और इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया। अब यहाँ हम 1.5 इंच फोल्ड के लिए निकाल लेंगे आस्तीन के लिए, और यहाँ से हम लंबाई लेंगे 7 इंच। तो हम 7.5 पर निशान लगाएं क्योंकि 1/2 इंची सिलाई जाएगा, क्योंकि ये बुज़ुर्ग महिला का ब्लाउज है, थोड़ा लूज रहता है। तो हमने वहाँ 7 इंची रखा था इसको फ्रेंड को, तो यहाँ हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच हम निशान यहाँ एक्स्ट्रा लगाएंगे और यहाँ से हम इसको 2-2.5 इंच पर डाउन करेंगे। इस तरह से और इसकी मोहली जो है वो 12 इंच है, तो हम यहाँ निशान लगाएंगे इस तरह से। ये हमारा एक्स्ट्रा इतना कपड़ा रह जाएगा, तो इसको हम कटिंग कर देते हैं इस तरह से। और थोड़ा सा हम इसको फ्रेंड को डाउन करेंगे। तो ये रही आस्तीन की कटिंग। तो दोस्तों, आप इस तरह से एक बुज़ुर्ग महिलाओं के लिए बड़ी आसानी से ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। और आप चाहें तो थोड़ा सा फ्रेंड का आर्म होल होता है, थोड़ा सा हल्का सा डाउन कर सकते हैं इस तरह से, क्योंकि ये डार्ट का निशान यहाँ आ जाएगा और यहाँ भी डार्ट का निशान आ जाएगा और यहाँ भी और यहाँ भी। तो इस तरह से आप ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। कोई दिक्कत है, कोई कमेंट है तो हमें ज़रूर करें, इसकी रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।